जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को बहुत ही अच्छे से ट्रिकी वे में पढ़ने वाले हैं। आप पूरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों, आपको एमपीजी के मैंने बहुत सारा एमपीजी की याद करवा दिया है और ट्रिक से याद करवाया है, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, पूरा वीडियो देखना पड़ता है और सब कुछ याद हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक आज बताने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ही हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के जीके के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मध्य प्रदेश को जो मध्य प्रदेश नाम दिया वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, ठीक है। और इसे लघु प्रदेश है ना, टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, हृदय प्रदेश आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब आपको बताना है कि स्याही एवं पेंट उद्योग प्रयोग किया जाने वाला भेलाला कहाँ पाया जाता है। स्याही और पेंट उद्योग में जो प्रयोग किया जाता है भेलाला वो कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले टेस्ट करवाएंगे है ना, फिर ट्रिक बताएंगे और फिर मैप में बताएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आज होने वाली हैं। तो स्याही एवं पेंट उद्योग प्रयोग किया में पेंट उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला जो भेलाला है ये कहाँ पाया जाता है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट में लिखना है। पूछा गया प्रश्न है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा छिंदवाड़ा, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्याही होती है, स्याही जो पेन की स्याही अगर आपके पैंट में गिर जाए, जेब में पेन रखते हो और पैंट में गिर जाए तो स्याही नहीं छूटेगी, आपके पैंट में छेदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा लेकिन स्याही नहीं छूटेगी। तो स्याही एवं पैंट में जो उपयोग होता है भेलाला वो कहाँ, छेद हो जाएगा तो छिंदवाड़ा, छेद हो जाएगा तो छिंदवाड़ा। स्याही गिर जाए तो धो धो के छेद हो जाएगा लेकिन स्याही नहीं छूटेगी, तो छिंदवाड़ा में ये भेलाला मिलेगा, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद भी रखना है। अब दोस्तों ये छिंदवाड़ा कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ये जिला है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, याद रख लेना है। आपने पैंच राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा होगा, ये पैंच राष्ट्रीय उद्यान इस छिंदवाड़ा और सिवनी यहाँ पड़ता है आपका, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना मध्य प्रदेश में वानिकी प्रोत्साहन हेतु पंचवन योजना की शुरुआत कब हुई, पंचवन की हो रही है दोस्तों, तो पंचवन की उत्तर में भी लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। तो वानिकी प्रोत्साहन हेतु जो पंचवन योजना की शुरुआत हुई वो कब हुई, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 1975। 5 की बात हो रही है तो 5 यहां पर भी आएगा आपका, तो 5 यानी 75, 1975 में पंचवन योजना की शुरुआत हुई, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्प उद्यान कहां पर है, अरे दोस्त आप बोलोगे सर बहुत सारे उद्यान पड़े हैं, सर्प उद्यान तो पड़ा ही नहीं है, तो आपको बताना है कि जो सर्प रहते हैं वो कहाँ, आकाश में रहते हैं कि भू में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, आकाश में तो नहीं मिला एक आध सर्प, नहीं मिला ना, भू में ही मिले, तो सर्प उद्यान कहाँ पर होगा, भोपाल, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी देखा होगा है ना, तो यहाँ पर आपका भोपाल है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और यहीं पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, सर्प उद्यान है, ठीक है, कहाँ पर, भोपाल में। अब याद रख लेना कि सर्प भू में रखते हैं तो भू से भोपाल। अब दोस्तों आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किन राष्ट्रीय उद्यान में, किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई। जी हाँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों वन्य जीवों को गोद लेने की, यानी कि ऐसे वन्य जीव जो क्या करते वन में विहार करते हैं, वन में विहार करते हैं, अब उनको गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई। तो वन में विहार करते हैं तो ऐसी योजना कहाँ पर प्रारंभ होगी, वन विहार में, ठीक है। ऐसे वन्य जीव जो वन में विहार करते हैं अब उनको गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई,
तो ये बन बे बन में बिहार करती है, इसलिए बन बिहार में ही की जाएगी, यानी कि आपका बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अभी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों आपका भोपाल में, ठीक है, घूम के आना कभी, बहुत ही बढ़िया है ना। अगला बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। हालो घाटी और बंजर घाटी बतानी है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, उत्तर आपका चयन करना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है कहाँ पर, कान्हा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये हालो घाटी और बंजर घाटी कैसे याद रखोगे, है ना, आपने एक वो गाना सुना होगा कि कान्हा ने मारा मिस कॉल, राधा बोले हालो हालो, तो किसने मारा, कान्हा ने, तो ये हालो घाटी कहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी, कान्हा में होगी ना, कान्हा राष्ट्रीय क्यों ने, है ना, कान्हा में, तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कैसे भी, हालो घाटी और बंजर घाटी कान्हा में है, और एक कान्हा कहाँ पर है दोस्तों, तो मैंने आपको याद करवाया था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, तो कान्हा को देखकर मन डोला, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा, मंडला में, ठीक है। ये है दोस्तों आपका मंडला, और यहीं पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मंडला में, और हालो घाटी और बंजर घाटी भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में एशियाई सिंह का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला गया है। अब दोस्तों एक चीज बताना, हम बोलते ना पेपर में आपने देखा होगा कि शेरों ने अपना कुनबा बढ़ाया है, क्या बनाया है, कुनबा बढ़ाया है। अब एशियाई सिंह के संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला, प्रजनन केंद्र, प्रजनन होगा तो क्या होगा, कुनबा बढ़ेगा, तो ये प्रजनन केंद्र कुनबा से क्या हो जाएगा आपका, कुनबा बढ़ेगा, तो ये कहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा, कुनबा से कूनो, है ना, कुनबा से कूनो, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ये जो है प्रारंभ किया गया है एशियाई सिंह संरक्षण प्रजनन केंद्र, कूनो ये याद रख लेना है, ठीक है। इसे 2018 में दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया कूनो। अब ये कूनो कहाँ पर है दोस्तों, तो ये पालपुर जो कूनो है ये श्योपुर में है, ठीक है, ये है आपका श्यो, है ना, श्योपुर मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर कूनो है और कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है, एशियाई सिंह संरक्षण प्रजनन केंद्र भी यहीं पर खोला गया कूनो में, ठीक है, याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है, सबसे पहली बात तो यहीं पर शिवपुरी में। अब इस माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, अब यहां पर आया है दोस्तों शिव, तो शिव जी को आपने देखा, तीन ही इनके हथियार हैं, कौन कौन से, तीन कौन कौन से हैं, सर्प है, त्रिशूल है और डमरू है, ये तीन हैं, शिव जी के तीन ही हथियार हैं, है ना, तो आपको बताना है कि तीन आया है, और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से गुजर रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो कौन सा गुजरेगा, तीन गुजरेगा, सात गुजरेगा या चार गुजरेगा, कौन सा गुजरेगा, शिव की बात आई है तो शिव जी के तीन ही हथियार हैं, तो NH3, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जाता है हमेशा, तो इस प्रकार से याद भी रखेंगे। और ये है दोस्तों आपका शिवपुरी, है ना, यहाँ माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है आपका, और माधव राष्ट्रीय उद्यान है, और यहीं से NH जो थ्री है वो राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं से गुजरा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों आपको बताना, मध्य प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब मिला। अब दोस्तों एक चीज बताना कि व्यक्ति अपनी संतान का पालन करता है, किसका, संतान का पालन करता है, लेकिन यहाँ पर तो मत्स्य का पालन हो गया, तो मत्स्य का पालन हो गया मतलब ये भी कैसी है, संतान के समान है, संतान के समान ही पालन करती होगी, तो संतान से क्या बनेगा आपका, 57, है ना, 1957। अभी हमने देखा था कि व्यक्ति अपनी संतान का पालन करते हैं, लेकिन अब मत्स्य का भी पालन करते हैं, तो ये भी संतान की तरह ही करेंगे, तो मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब मिलेगा, संतान यानी कि 97, ठीक है, तो 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1997, ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे। और ये 1997 मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। और मध्य प्रदेश में कौन सी फसलों की अधिक कृषि होती है दोस्तों, फसलें बहुत सारी हैं,
है ना, सोयाबीन यहाँ पर ज़्यादा बुवाई होती है इसलिए सोया स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो फसलों की सर्वाधिक कृषि होती है वो कौन सी फसलों की होती है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा खरीफ फसलों की। जो बरसात में बोई जाने वाली फसल होती हैं उन फसलों को कहा जाता है खरीफ फसलें, ठीक है। और खरीफ फसलों को जो है कृषि सर्वाधिक होती है मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपको बताना है। और मैंने आपको याद करवाए थे जब अनुसंधान केंद्र कि अगर सोयाबीन कैसे फ्री में बांट दूं, मैं बोलूं कि मैं सोयाबीन फ्री में बांट रहा हूं तो लोग दौड़ दौड़ के आएंगे, दौड़ दौड़ के आएंगे, है ना। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा, इंदौर, दौड़ दौड़ के आएंगे मतलब इंदौर, यानी कि बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका इंदौर, यहाँ पर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, ये उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है, क्या है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है, इंदौर में। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो सॉरी सोयाबीन कारखाना उज्जैन में और जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, इंदौर में, ठीक है। तो याद रख लेना है ना, सोयाबीन का कारखाना तो उज्जैन और अनुसंधान केंद्र तो इंदौर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कौन सा बांध चंबल परियोजना के अंतर्गत नहीं है, कौन सा बांध नहीं है चंबल परियोजना के अंतर्गत, जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा सागर या फिर सम्राट अशोक सागर। तो एक चीज बताना दोस्तों, मैंने आपको जब बांध याद करवाए थे चंबल के, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो है यहाँ पर मंदसौर में गांधी सागर बांध बना है चंबल नदी पर, फिर जवाहर सागर राजस्थान में, राणा सागर भी राजस्थान में बने हैं, मतलब चंबल नदी पर ये तीनों बने हैं, जवाहर, राणा और गांधी, है ना, और सम्राट अशोक सागर नहीं बना है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, है ना। और चंबल नदी यहाँ से निकलती है दोस्तों महू से, है ना, महू के पास जानापाव से निकलती है और इस प्रकार से यहाँ से बहती हुई ये मंदसौर जाती है, मंदसौर, है ना, मंदसौर के यहाँ से निकलती है, यहाँ से राजस्थान में और यहाँ से राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर से होते हुए यहाँ जाके यमुना में मिल जाती है, ठीक है, तो है ना, तो इस प्रकार से याद रखना है। और यहाँ पर आपका गांधी सागर डैम बना है मंदसौर में, और उसके बाद है ना जवाहर सागर, राणा सागर डैम बने हैं कोटा बैराज, ठीक है। अब किस मिट्टी में बालू की कमी होती है दोस्तों, बालू की कमी किस में होती है, तो अब चार विकल्प हैं, चार में से एक का चयन करना है कि बालू की कमी किस में होती है। अब दोस्तों एक चीज बताना है आप कि आप बालों में, आप अगर गांव में रहते हो तो बालों में कौन सी मिट्टी डाली जाती है, काली मिट्टी, बालों में काली मिट्टी डाली जाती है, तो बालू की कमी किस में रहेगी, बालू की कमी रहेगी कौन में, काली में, बाली से काली, काली में बाली की कमी, है ना, काली में बाली की कमी यानी बालू की कमी। तो इस प्रकार से काली मिट्टी में बालू की कमी रहती है, यानी जो एक नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे भी याद करना है वो आप याद रख लेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों आपको बताना, राज्य में रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है, रेगुर। अब एक चीज बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की बात हो रही है, दो सेकंड में आपको उत्तर का चयन करना है, जब तक मैं आपको बता दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और काली मिट्टी को रेगुलर इस पर क्या होती है, कृषि होती है, कृषि की जाती है रेगुलर, तो रेगुलर से रेगुर मिट्टी किसे कहा जाएगा। अब रेगुलर की जा रही है कृषि किस मिट्टी पर, काली मिट्टी पर, तो रेगुर मिट्टी मध्य प्रदेश में काली मिट्टी को ही कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, है ना। इस प्रकार से याद रख लेंगे कि सर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिट्टी काली मिट्टी है और काली मिट्टी को रेगुलर कृषि की जाती है, इसलिए रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है वो दोस्तों, धार किस नदी के किनारे स्थित है, धार, तो आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, माही की धार, माही की धार, ऐसे याद रखना है आपको, माही की धार, ठीक है, माही की धार, यानी कि जो धार है
वो कौन सी नदी किनारे हो जाएगा, माही नदी के, ठीक है। तो माही की धार, धार माही नदी के किनारे स्थित है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों आपका धार, है ना, यहीं पर है मांडू, मांडू भी है, तो याद रख लेना। अगला बताना, प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका अपरदन द्वारा विहड़ का निर्माण करती है, तो कौन सी नदी करती है दोस्तों। अब एक चीज बताना, अवनालिका अपरदन, अपरदन होगा और विहड़ का निर्माण करेगा तो कौन सी नदी करेगी, जिसमें बल होगा, जिसमें क्या होगा, बल होगा, वही तो अपरदन करेगी, वही विहड़ बनाएगी, है ना। तो बल होगा तो चंबल, है ना, बल से चंबल। चंबल ऐसी नदी है जो अवनालिका अपरदन द्वारा बीहड़ का निर्माण करती है, यानी कि जो आ नंबर है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चंबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला आपको बताना है दोस्तों, इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है, ये तो कई बार पूछा गया है दोस्तों। एक चीज बताना, आपको 2 सेकंड में उत्तर तो बताना ही है, जब तक मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, और कोई आपको खाना दे दे, खाना दे दे, तो आप क्या करोगे, दौड़ दौड़ के जाओगे, कैसे जाओगे, दौड़ दौड़ के जाओगे। अगर आपको भूख लगी है और खाना दे दे तो दौड़ दौड़ के जाओगे, तो जो खान नदी के किनारे स्थित शहर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंदौर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, पूछा गया कि इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रख लेना कि दौड़ दौड़ के जाएंगे हम अगर कोई खाना दे दे तो, ठीक है। तो खान नदी, इस प्रकार से याद रखना है। अब दोस्तों ये आपका इंदौर है, ठीक है, कपड़ा शहर कहा जाता है, अहिल्या नगरी भी इसे कहा जाता है, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमणी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों कि पचमणी में बरसात सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, पचमणी में। और पचमणी में एक जो धूपगढ़ है, धूपगढ़ क्षेत्र मध्य प्रदेश का सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, ठीक है, धूपगढ़। और यहाँ पर आरक्षक क्या है, आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर भी है पचमणी में, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और एकमात्र हिल स्टेशन है पचमणी, है ना, और ये किस श्रेणी में है, पर्वत श्रेणी में है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और ये पचमणी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो ये होशंगाबाद में स्थित है, और होशंगाबाद में हमने, मैं कई बार बताता हूँ आपको कि यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, है ना, सतपुड़ा है, और बोरी अभ्यारण्य भी है, बोरी, है ना, पचमणी तो आपका है ही, तो इनको आपको याद रखना है। अगला दोस्तों है आपका, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व तो मध्य प्रदेश में किसने किया। अब दोस्तों खिलाफत यानी कि खिलाफ जा रहे हैं, अब अगर कोई खिलाफ जा रहा है, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ जा रहा है, तो ऐसा ही मराठेता आदमी होगा कि जबर आदमी होगा, कैसा होगा, जल्दी बताओ, जो खिलाफ जा रहा है और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व तो कर रहा है वो आदमी कैसा होगा, कॉमन सेंस कैसा होगा, जबर, तो अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था, मध्य प्रदेश से किया था, यानी कि आपका बिल्कुल विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा, अब्दुल जब्बार, ठीक है, याद रखेंगे विकल्प नंबर बी को। और अगला क्वेश्चन है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मैंने आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान याद करवाए हैं ट्रिक से, अब आपको बताना है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको एक पेड़ से बांध दिया जाए, एक पेड़ से बांध दिया जाए और कोई आपको छोड़े ना, तो आप पूरी उम्र या बंधे रहोगे, बंधे रहोगे कि नहीं, बिल्कुल बंधे रहोगे। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा, उमरिया में, ठीक है, उमरिया, यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। बांधवगढ़ में दोस्तों सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, ठीक है, और सफ़ेद शेरों की जो भूमि है वो रीवा को कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। और बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, उमरिया में है, है ना, और ये है दोस्तों आपका उमरिया, यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगला दोस्तों आपको बताना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है तो कहाँ पर है दोस्तों। अब मध्य प्रदेश में आप देखते हो दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल है, सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल शहर है वो कौन सा है, इंदौर। तो ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित होगा, इंदौर में, ठीक है। और आप सॉफ्टवेयर डलवाने के लिए दौड़ दौड़ के दुकानों पर जाते हो, मेरे में ये सॉफ्टवेयर डाल दो, वो सॉफ्टवेयर डाल दो, है ना, दौड़ दौड़ के जाते हो, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी कहाँ कहाँ पर होगी,
इंदौर में, यानी कि जो 12 नंबर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपके चैलेंज प्रश्न की बारी है और आपको चैलेंज प्रश्न दिया जाता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मध्य प्रदेश का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बना था वो कौन सा बना था, ये आपका चैलेंज प्रश्न है। कमेंट में आपको लिखना है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है दोस्तों, और इसी प्रकार की प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखें। सुबह 8:15 पर आपको एमपी जीके का ट्रिक की वीडियो मिलता है, शाम को 4 एमपी जीके का ट्रिक की वीडियो मिलता है। तो ये सारे के सारे वीडियो अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ठीक है, और शेयर करें। और टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च कर लेना है IAS स्टडी ट्रैक, और क्या हो जाना है, ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और ये व्हाट्सअप नंबर दिया है तो व्हाट्सअप से जुड़ना है, है ना। इंस्टाग्राम में आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन, है ना। फेसबुक पे भी आपको सुमित जैन सर्च करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। ऐसे बहुत सारे ट्रिकी वीडियो मैंने मध्य प्रदेश जीके के दिए हैं ताकि आपको याद हो सकें, आप कभी ना भूल सकें। ऐसी ऐसी बहुत सारी ट्रिकें दी हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा पर आपको ऑल पर क्लिक जरूर करना है दोस्तों। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।